इतना सब कुछ हो गया, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अनंत, पापा ने मुझे मना किया था। वो नहीं चाहते थे कि मैं उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में तुम्हें बताऊं। उन्हें लगा कि अगर ये बातें तुम्हारे घर वालों तक पहुंच जाएंगी तो उनकी नजरों में पापा की इज्जत नहीं रहेगी। हर एक तरीके से वो सही तो कह रहे थे। अनन, मुझे पता है, मुझे सबसे पहले तुम्हें सब कुछ बताना चाहिए था। तुम मेरे दोस्त हो, सबसे अच्छे दोस्त। मैं नहीं बताऊंगी तो किससे बताऊंगी? तू आगे सुन, एक काम कर, दर्जी के पास ना नव्या के ये 6 ब्लाउजेस देने, जरा डिजाइन्स देख ले, तू कर लेगी ना? माँ, माँ गौतम, मुझे इतनी परेशान हो गई हूँ ना मैं रेनू, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब इतना मुश्किल होता जा रहा है। तेरे पापा तो इतने परेशान है, अब तो लोन लेने वाले, पता नहीं लोन से भी होगा कि नहीं। लोन? हाँ, शादी की डेट जो जल्दी कर दी है, पैसों का इंतजाम करने का वक्त ही नहीं मिला। माँ फिक्र मत करो, सब हो जाएगा। अच्छा मेरी छोड़, पता क्या कह रही थी गौतम के बारे में? कुछ नहीं माँ, मैं कह रही थी गौतम के पास टाइम ही नहीं है शॉपिंग करने का, मुझे ही सोचना पड़ेगा क्या पहनेंगे शादी में। हमें खर्चों को लेकर ऐसे ही इतनी टेंशन है, और अब पापा की नौकरी, ये बात तो उन्होंने घर पे बताई तक नहीं है, अकेले सब सहते गए, क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे पता है नव्या, शादी का मतलब होता है दो परिवारों की खुशी, हमारी खुशी, लेकिन दीपक अंकल इतने परेशान हैं, तुम परेशान हो, और ये सब कुछ देख के मैं भी परेशान हूं। हमारी शादी तो वैसे होनी चाहिए जैसे हम चाहते हैं। और वैसा ही होगा। हाँ, मिलते हैं ना शाम को? हाँ ठीक है, कोई, अरे कुछ प्लान्स बना लेंगे ना। नहीं नहीं, अब की बार पक्का। नहीं नहीं, हाँ ठीक है। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। गौतम, हाँ उस गौतम, काम का क्या हुआ? गौतम, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। सुनो, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। बोलो। गौतम, मुझे मदद चाहिए तुम्हारी। कहना नव्या की शादी काफी अचानक तय हो गई, पापा उसके लिए तैयार नहीं है, इसलिए मैं सोच रही थी अगर हम उन्हें कुछ पैसे दे दें तो। नहीं, पर गौतम। रेणुका, नहीं, ठीक है तो मैं अपने कुछ गहने दे देती हूँ माँ को।